केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। 380 सीटों पर अब तक चुनाव हुए, शाह मोदी जी 270 सीटें जीत चुके हैं, बीजेपी बहुमत हासिल कर चुकी है, अब चुनाव 400 पार हो रहा है। पश्चिम बंगाल के वनगांव में रैली में दावा ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है, बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। न्यूज़ 18 से बातचीत में बोले अमित शाह, बताते हैं आपको, राहुल सिर्फ मुस्लिमों के हक की बात करते हैं, पीएम हर समाज की बात करते हैं, राहुल पिछड़ों का हक छीनना चाहते हैं, राहुल सबका हक छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं, ये अमित शाह के द्वारा कहा गया है। पीएम सबको बराबर हक देने की बात करते हैं, तुष्टिकरण कर वोट बैंक तैयार करना चाहते हैं राहुल, ये अमित शाह ने कहा। एक सीधा सवाल हम पूछना चाहेंगे, मुस्लिम भाई बहन भी हमारे भारत के रहवासी है, अगर कांग्रेस मुस्लिमों को खुश करना चाहती है तो उसमें बुरा क्या है? उसमें बुराई कुछ नहीं है, केवल मुस्लिमों का नहीं कर सकते। मोदी जी ने हर घर में पानी भेजा, गैस भेजा, बिजली भेजी, घर दिया, 5 लाख तक का बीमा दिया, अनाज दे रहे हैं, तो सभी को दे रहे हैं, मुसलमानों को ही मिल रहा है, मगर ये वोट बैंक क्रिएट करने के लिए एपीसमेंट की बात कर रहे हैं और इससे और किसी को अन्याय कर उनको देने की बात है, इसका विरोध। पीओके में